विजय शंकर को आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, वही विजय शंकर जो हैदराबाद की टीम से हमें खेलते हुए नजर आते हैं, और उनका खेल देखते हुए टीम इंडिया ने उन्हें अपने टीम में भी मौका दिया, उसके बावजूद वो कुछ खास नहीं कर पाए। और उनका खेल देखते हुए टीम इंडिया ने उन्हें 2019 के वर्ल्ड कप में भी मौका दिया, और वो वहां पे भी कुछ खास नहीं कर सके थे। जबी टीम इंडिया ने उनकी जगह पे ऋषभ पंत को टीम में मौका दिया, प्लेइंग 11 में मौका दिया, और ऋषभ पंत ने उस मौके का फायदा भी उठाया। पर अफसोस इस बात का है कि आपको टीम 11 में मौका मिला, आपको वर्ल्ड कप में मौका मिला, उसके बावजूद आप उस मौके का कुछ खास फायदा नहीं उठा सके। अगर टीम ने आप पे भरोसा किया है, आप में कुछ देखा है, तो आपको भी उनका भरोसा कायम रखना चाहिए, आपको भी उनके भरोसे पे खड़े उतरने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, विजय शंकर होंगे बहुत अच्छे खिलाड़ी, पर जब भी उन पे भरोसा किया है, कभी भी वो भरोसे पे खड़े नहीं उतरे हैं, और वो आप सभी को काफी लंबे समय से हैदराबाद की टीम से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट वो बहुत ही अच्छे बॉलर है, बहुत ही अच्छे हीटर है, वो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। जब जरूरत हो टीम को आपके टैलेंट की, और आपका टैलेंट टीम के काम न आए, फिर बताइए आप किस काम के हो। यही देखने को मिला हमें विजय शंकर से। दोस्तों, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर जब टीम ने उनको मौका दिया तब वो मौके का फायदा नहीं उठा पाए, इस बात का काफी अफसोस है। दोस्तों, देखना ये होगा इस आईपीएल के सीजन में कि क्या विजय शंकर को अभी लगता है कि टीम इंडिया उन पर भरोसा करेगी, क्या टीम इंडिया उन्हें वापिस से टीम में मौका देगी। अगर आप सभी को 2019 का वर्ल्ड कप याद हो तो आप सभी को पता होगा टीम इंडिया ने उन पे भरोसा किया, उनको मौका दिया, पर वो वहां पे कुछ खास नहीं कर पाए थे। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर उन्हें अभी भी लगता है कि वो टीम इंडिया में खेलने के काबिल है, उन्हें टीम इंडिया में वापस मौका चाहिए, अगर वो चाहते कि टीम इंडिया उनको वापस से मौका दे, तो वो इस साल के आईपीएल में अपना जलवा जरूर दिखाएंगे। वो कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इस साल के आईपीएल में वो एक अच्छा खेल खेल सके, अपने टीम के लिए एक अच्छी भूमिका निभा सके, और वो जरूर चाहेंगे कि उनसे जो गलती हुई है, उन्होंने जो भरोसा खोया है, उस भरोसा को वो वापिस से जीत सके। क्योंकि तो हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो टीम के लिए एक अच्छी भूमिका निभाए, पर कभी कभी वो असफल हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक असफल आदमी है, असफल खिलाड़ी है जो वापस खड़ा नहीं हो सकता। अगर उसमें हिम्मत है गट से खड़े होने की, तो उसे खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या विजय शंकर को टीम इंडिया में वापस मौका मिलेगा, और क्या विजय शंकर इस साल के आईपीएल में अपना अच्छा खेल दिखा पाएंगे, जिसे देखते हुए टीम इंडिया उन्हें वापस से टीम इंडिया में मौका दे। दोस्तों, आपको जो कुछ भी लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। फिर मिलूंगा सभी से अगले वीडियो पे, तक लिए नमस्कार, जय हिंद।